अभी मैं सर डॉक्टर से बात करता हूँ तो डॉक्टर बोल रहा है सर डोनर ला, उसके बाद तेरे को ब्लड मिलेगा। तो सर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं, अभी लॉकडाउन चल रहा है, मैं अभी कहाँ से डोनर लाऊँ बताओ। लॉकडाउन रहेगा महीना दिन, 2 महीना 6 महीना बच्चा तो खत्म हो जाएगा यार, इलाज क्या होगा इसका, देख कर थोड़ा भी तरस नहीं आ रहा है। एक तरफ कोरोना वायरस की दहशत, दूसरी ओर खुद की बीमारी का दर्द, तीसरी ओर लॉकडाउन की दिक्कतें और चौथी ओर खाने पीने की मुश्किल। दिल्ली के एम्स में इलाज कराने आए मरीजों और उनके परिजनों पर ऐसी ही चौतरफा मार पड़ी है। अच्छे इलाज की उम्मीद लेकर देश के अलग अलग राज्यों से लोग दिल्ली के एम्स आते हैं, लेकिन इस बार ये लोग लॉकडाउन में कुछ ऐसा फंसे कि अपना घर वापस जा पा रहे हैं और ना ही यहाँ पर इलाज मिल पा रहा है। इनमें से किसी का ऑपरेशन शेड्यूल था, किसी को ओपीडी में डॉक्टर को दिखाना था, लेकिन लॉकडाउन में सब कुछ स्थगित कर दिया गया। अब इन लोगों के पास पैसे भी खत्म हो रहे हैं। हालत ये है कि अब तो खाने के लिए भी दूसरों की मदद पर निर्भर हैं। मेरे अंदर से नाक से मुख से ब्लीडिंग हो रहा है, ठीक है सर। अभी मैं सर डॉक्टर से बात करता हूं तो डॉक्टर बोल रहा है सर डोनर ला, उसके बाद तेरे को ब्लड मिलेगा। तो सर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं, अभी लॉकडाउन चल रहा है, मैं अभी कहां से डोनर लाऊं बताओ। मिनिमम 8 महीने से मेरे को इलाज चल रहा है दिल्ली एम्स में। अच्छा, जो आपको बुलाया था 17 तारीख के बाद, कब होना था आपका इलाज? सर मेरे को ना डेट मिल दी है, डेट पे आते हैं इलाज कराते हैं, अभी कुछ पैसे लेकर आए थे, मेडिसिन लेंगे और ब्लड चढ़ाएंगे घर चला जाएंगे। अभी ऐसा स्थिति हो गया सर, जो कुछ पैसे भी थे वो भी खर्चे हो गए, अभी ऐसा उम्मीद हो गया सर एक दूसरे से मांग के खाने पर। गोद में अपने बीमार बच्चे को थामे इस माँ को सुनिए, जो लॉकडाउन के चलते अपने बच्चे के इलाज की उम्मीद अब खोती जा रही है। लॉकडाउन में तो तकलीफ है, जब नहीं था तब भी हम लोग दौड़ रहे थे, लॉकडाउन है तो ऐसे तो लॉकडाउन रहेगा महीना दिन, 2 महीना 6 महीना बच्चा तो खत्म हो जाएगा यार, इलाज क्या होगा इसका, देखकर थोड़ा भी तरस नहीं आ रहा है उन लोगों को। हम 28,500 रुपया भी जमा किए हैं, 4 यूनिट ब्लड भी दिए हैं, उसके बाद फिर भी कोई सुनवाई नहीं है। गुजर बसर उसी तरह कर रहे हैं, खाना कैसे मिल जा रहा है, थोड़ा बहुत जो भी मिल रहा है मिल जा रहा है, खा ले रहे हैं। कल बुखार लग रहा था, 5 दिन से दवा चल रहा है एम्स में इमरजेंसी में, कल का पर्ची ला कर रखे हैं, अभी तक दवा नहीं मिला, इसको पैसा नहीं, हम कहाँ से दवा लाएं। दूध डब्बा का यहाँ पीता है वो भी नहीं आया आज तक, पैकेट का दूध थोड़ा मिला था वहीं पिला रहे हैं गर्म करके। लॉकडाउन के चलते घर वापस नहीं जा पा रहे ये सभी लोग फिलहाल दिल्ली सरकार के नाइट शेल्टर होम में वक्त काटने को मजबूर हैं। कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं की ओर से मिलने वाले सामान से किसी तरह इनका गुजारा चल रहा है, खाने की व्यवस्था सरकार की ओर से हो जाती है, लेकिन कोई नहीं जानता कि ये सिलसिला कब तक चलेगा। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।